हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जज्बा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं करेंट अफेयर के 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आज के मतलब एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला करेंट अफेयर। बिना टाइम गंवाए हम आपको 10 क्वेश्चन कुछ ही पल में बता देंगे। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि MSDE ने किसके साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है फेसबुक, गूगल, IBM या रिलायंस। तो दोस्तों, यह हमारा ऑप्शन होगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केटी रामा राव को विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक में आमंत्रित किया गया है। रामा राव निम्न में से किस भारतीय राज्य के IT मंत्री है? दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिया गया हमारा गुजरात, तेलंगाना, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य के IT मंत्री हैं KT रामा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने 24 घंटे से अधिक रहने वाले आगंतुकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों देखिए, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है आज के। हाल ही में निम्न में से किस राज्य की सरकार ने 24 घंटे से अधिक विदेशी या किसी अदर स्टेट को आने वाले माने जाने वाले को 24 घंटे से अधिक नहीं रहने दिया जाएगा उस राज्य में, और अगर रहना होगा तो उसे पंजीकरण करना होगा। तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? यहाँ ऑप्शन दिया गया हमारा सिक्किम, मेघालय, बंगाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा मेघालय राज्य है जो ऐसा किया है, जो 24 घंटे से अधिक रहने के लिए आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए स्कूली बच्चों के लिए अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? देखिए तो दोस्तों, ये ऐसा देश है जहाँ स्कूली बच्चों को भी जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने का मतलब इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कौन सा देश है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया गया आपका जापान, इटली, चीन, अमेरिका। तो यहाँ दोस्तों इटली हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम आपको दोस्तों बहुत ही तेजी में बता रहे हैं, आप इसे पुश कर करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आपसे हम 3 से 4 मिनट ही लेंगे, आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पन्न की क्षमता 2022 तक 30 GW करने की घोषणा की है? दोस्तों देखिए, अपना भारत का क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य ने ये घोषणा किया है कि हमारा 2022 तक 30 GW पावर हो जाएगा, बिजली पावर? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ जो है गुजरात ने किया है कि हम 2022 तक 30 GW बिजली उत्पन्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हाल ही में पी श्रीधरन पिल्लई ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? दोस्तों, हाल ही में पी श्रीधरन पिल्लई ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? नागालैंड, मिजोरम, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी ये राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है, ये मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 नंबर। हाल ही में SACEP की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ढाका, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये ढाका में अभी हमारा SACEP की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीता है? देखिए दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीती है? तो मिस एशिया ग्लोबल जो है टाइटल 2019 की हमारी सारा दमन जनोविक ने जीती है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों देखिए, 2019 का ही क्वेश्चन है। हाल ही में 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, धर्मशाला, कोलकाता या नई दिल्ली? तो दोस्तों, यहाँ हमारा सही आंसर होगा धर्मशाला। दोस्तों, आज ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। फिर हम आपके लिए डेली बाई डेली एक करेंट अफेयर लाते ही रहेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों ये करेंट अफेयर आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें कमेंट भी कीजिए कि कैसा लग रहा है, अच्छा है या सही है या गलत है, जो भी हो आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो आपसे हम विदा लेते हैं।